और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, और ये बड़ी जानकारी जो आ रही है वो आपको बता दे, बड़ी खबर कॉमनवेल्थ में हरियाणा के छोरे का जलवा जो है वो देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गांव लाट के सुधीर ने गोल्ड मेडल जीता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैरा पावर लिफ्टिंग में ये गोल्ड मेडल जीता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, बचपन में पोलियो से ग्रस्त हो गए थे सुधीर, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया। कॉमनवेल्थ में हरियाणा के छोरे का जलवा देखने को मिला है। बड़ी खबर, गांव लाट के सुधीर ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। कॉमनवेल्थ में पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। तो बड़ी खबर, गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बचपन में पोलियो से ग्रस्त हो गए थे सुधीर, लेकिन आज वो देश का गौरव बने हैं। कॉमनवेल्थ में हरियाणा के छोरे का जलवा देखने को मिला है, गोल्ड जीता है गांव लाट के सुधीर ने। ये गोल्ड मेडल जो है वो देश के लिए जीता है। बड़ी खबर, पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है, ये बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, गोल्ड मेडल जीतने के बाद परिवार में खुशी है, गाँव में खुशी है, ये बड़ी खबर आ रही है कॉमनवेल्थ में। राम सिंह मार सोनीपत से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राम सिंह मार, हरियाणा के छोरे ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है, पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड जीत का कॉमनवेल्थ गेम्स में। बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस प्रकार से गांव लाट के रहने वाले सुधीर ने एक बार फिर जो है हरियाणवी लठ जो है इंग्लैंड में जाकर गाड़ दिया है, और लिहाजा जिस प्रकार से देश का और हरियाणा का नाम रोशन जो है वो विश्व के पटल पर जो है वो किया है। जिस प्रकार से गांव में अब खुशी की लहर है, और गांव में पूरी तरह से लड्डू और मिठाइयां बांटी जा रही हैं। खासतौर पर काफी मेहनत जो है सुधीर ने की है, 7 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जो है सुधीर रहा है, और दिव्यांगता को इसने प्रहार किया है, और ये साबित कर दिया है कि इंसान अगर जुनूनी हो, हौसले हो, तो निश्चित तौर पर दिव्यांगता को भी हरा सकता है। और लिहाजा जिस प्रकार से किसान परिवार में जन्मे सुधीर ने बचपन से ही प्रतिभावान रहे हैं। मात्र 5 साल की उम्र में ये परेशानी के चलते जो है दिव्यांग हो गए थे, लेकिन हार नहीं मानी और पीछे पलट कर कभी नहीं देखा, और लगातार इस प्रकार से परचम लहराया है, और एक बार फिर देश का गौरव जो है वो बढ़ाया राष्ट्रीय स्तर पर। और पैरा खिलाड़ी वीरेंद्र धनखड़ से प्रेरित होकर इन्होंने अपना खेल शुरू किया था, और राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया। जी राम, गांव में सुधीर के गांव में किस तरीके की खुशी का माहौल यहां वहां पर देखने को मिल रहा है? जाहिर तौर पर सुधीर जो गोल्ड मेडलिस्ट है पैरा पावर लिफ्टिंग में, उनका बहुत बड़े संघर्ष में हाथ उनके परिवार का रहा है, गाँव का रहा है। बिल्कुल, देखिए शुरुआती तौर से ही काफी संघर्ष जो है इसका रहा है सुधीर का, क्योंकि एक तरफ जहां खेल के मैदान पर जमकर पसीना बहाते रहते थे, तो वहीं खेत में भी बराबर काम करते रहे हैं। और जिस प्रकार से पिता का साया उठ जाने के बाद जो है इन्होंने कभी हार नहीं मानी, और आज का जो गोल्ड मेडल है उन्होंने अपने पिता को समर्पित किया है। हालांकि एक तरफ जहाँ पिता आज उनके बीच में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में खुशी के भी आंसू हैं, और कहीं ना कहीं अपने पिता को भी उसके भाई जो है मिस कर रहे हैं। लिहाजा आज उनके पिताजी उनके बीच होते तो खुशी अलग ही होती, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि आज पिता बेशक उनके साथ ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा है, और उनके भाई सुधीर ने जो है जिस प्रकार से देश दुनिया में नाम कमाया है और लगातार 7 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, और लिहाजा दिव्यांगता को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा जुनून जो है उसके पीछे देखा गया, और लिहाजा जिस प्रकार से राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यह अपने आप में एक सुनहरा पल है, और कहीं ना कहीं अब खुशी की लहर गांव में, गुहांड में, और कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में देखी जा रही। खासतौर पर गांव में काफी खुशी की लहर है, और लड्डू मिठाइयां बांटी जा रही हैं, और आसपास के लोग जो हैं उनके घर बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सिंह मार इस तमाम जानकारी के लिए। गाँव लास्ट और वहां के जो पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड मेडल खिलाड़ी, उनके परिवार में खुशी का माहौल है। सुधीर जो कि इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है।